दोस्तों स्वागत है आपका द ब्यूटीफुल नेचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में ही आप किस तरीके से मास्टिक तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने चूज़ की हैं ये तीन बैम्बू स्टिक्स और एक रस्सी, नारियल की रस्सी। इन दोनों को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन लंबे समय तक आपके मनी प्लांट में एज इट इज़ रहेंगी। ना तो ये बम्बू स्टिक गलेगी, सड़ेगी, और ना ही ये रस्सी जो है नारियल की ये सड़ेगी। तो इस तरीके से आपने तीनों को पहले वर्टिकली प्लेस कर लेना है और उसके बाद ये वो अपर पोर्शन जो है इसका टॉप ये पोर्शन जो है इस पर आपने अच्छे तरीके से इसको किसी तरीके से आप बांध ले, रस्सी से बांध ले या फिर तार से बांध ले इसको। और उसके बाद अब ये हमारा ये ट्रायंगुलर शेप तैयार हो चुका है मास्टिक बनाने के लिए। अब इसके हम बॉटम हिस्से पर रस्सी को बांध लेंगे और बांधने के बाद इसको हम इस पर तीनों बम्बू स्टिक पर रैप करते जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखिए इस तरीके से आपने इसको बांधकर इसको ऐसे रैप कर लें। ये स्टिक्स जो है ये लंबे समय तक ऐसे ही रहेंगी और इस तरीके से आप इसको बांध के टॉप तक ऐसे पहुंचा दें और ये लगभग हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद ये जो हमारी बेलें हैं मनी प्लांट की, इन सभी बेलों को इसके साथ हमने टाइट करना है। किसी भी तरीके से आप टाइट कर लें, किसी रस्सी से बांध लें, किसी धागे के साथ बांध लें। मेरे पास तो मैंने ये तार के साथ, तार के ही क्लिप तैयार किए हुए हैं तो उसी के साथ मैं बांध रहा हूँ। इन सभी को ऐसे बांध लें। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बारी आएगी इसकी पानी देने की। तो पानी अब आपने पॉट में जो है वो नहीं डालना है। पानी इसके टॉप जो इसका पोर्शन है मास्टिक का वहाँ पर आपने डालना है। जो पानी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। तो उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि ये रस्सी जो है वो सारी गीली हो जाएगी और सारे पौधे को नमी पहुँचाती रहेगी। तो ये लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम पानी स्प्रे कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने मास्टिक बनाई है ये लंबे समय तक, पहली बात तो ये एज इट इज रहेगी, दूसरी बात ये है कि ये प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। और ये रस्सी जो आपको दिखाई दे रही है अभी, ये भी कुछ टाइम के बाद दिखाई नहीं देगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो इसी जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।